रजनीगंधा फूल तुम्हारी महके यूं ही जीवन में। अपनी दिलकश अदाकारी और सादगी भरी खूबसूरती से इस अदाकारा ने 70 और 80 के दशक में सिने प्रेमियों के दिल में एक खास जगह बनाई थी। जैसे युगों से तुम्हें जानती। फिल्म रजनीगंधा में इस एक्ट्रेस ने ऐसी कमाल की अदाकारी की थी कि रजनीगंधा की खुशबू और इस एक्ट्रेस की बेमिसाल खूबसूरती एक दूसरे के पर्याय बन गए थे। प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। उस दौर में इन्हें लोग असली नाम से कम और रजनीगंधा के नाम से ज्यादा पुकारते थे। क्या चाहती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्मी पर्दे पर रजनीगंधा की खुशबू बिखेरने वाली एक्ट्रेस विद्या सिन्हा की। विद्या सिन्हा की फिल्मी लाइफ तो बहुत शानदार रही, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में कई तूफान आए। तो आज के इस वीडियो में हम विद्या सिन्हा की जिंदगी के कुछ ऐसे दर्दनाक पहलू आपके सामने रखने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फिल्मटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आलोक कुमार शुक्ला। मैंने देखा तुझे, तूने देखा मुझे, आँखों आँखों में दोनों के दिल मिल गए। विद्या सिन्हा ने बॉलीवुड की तमाम हिट फिल्मों में काम किया है, जिनमें पति पत्नी और वो, छोटी सी बात, रजनीगंधा, सफेद झूठ, मुक्ति, तुम्हारे लिए, इनकार, स्वयंवर और मगरूर जैसी फिल्में शामिल हैं। तुम्हारे बिन गुजारे हैं कई दिन, अब न गुजरेंगे जो दिल में आ गई है, आज हम वो कर ही गुजरेंगे। अपनी दमदार एक्टिंग के कारण विद्या सिन्हा बेहद कम समय में ही लोगों का दिल जीतने में कामयाब रही थीं। उनकी पहली फिल्म राजा काका थी, लेकिन उनके एक्टिंग करियर में 1974 में आई फिल्म रजनीगंधा मील का पत्थर साबित हुई थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट अमोल पालेकर थे। इस फिल्म से विद्या ने फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी खासी पैठ बना ली थी। दिल से हो जब दिल की बातें यारा, दिल वाले को काफी है इशारा। विद्या सिन्हा का जन्म 15 नवंबर 1947 को मुंबई में हुआ था। विद्या एक फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके पिता एस मान सिंह सहायक निर्देशक थे, तो वहीं उनके नाना मोहन सिन्हा एक प्रसिद्ध निर्देशक थे। विद्या को जन्म देते ही इनकी मां का देहांत हो गया था। इस वजह से इनका पालन पोषण इनके नाना के घर पर मौसी के द्वारा हुआ। विद्या ने बहुत छोटी सी उम्र में ही अपने करियर की शुरुआत की थी। विद्या ने अपनी मौसी के कहने पर मात्र 17 साल की उम्र में मिस बॉम्बे प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और खिताब भी जीता। उसके बाद उनका मॉडलिंग करियर शुरू हुआ। 18 साल की होते होते विद्या कई फिल्मी मैगजीन्स के कवर पर आ चुकी थीं। इसी दौरान विद्या को अपने पड़ोस में रहने वाले एक तमिल ब्राह्मण लड़के वेंकटेश्वरन अय्यर से प्यार हो गया। अगर तुम सांस में जलती चली। और साल 1968 में उन दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद भी वो मॉडलिंग करती रहीं। इसी दौरान एक मैगजीन के कवर पर छपी विद्या की फोटो पर महान फिल्म मेकर बासु चटर्जी की नज़र पड़ी। बासुदा के कहने पर ही विद्या सिन्हा ने बॉलीवुड में कदम रखा। विद्या सिन्हा ने फिल्म राजा काका से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की, जिसमें उनके अपोजिट किरण कुमार थे, लेकिन उनकी किस्मत बदली फिल्म रजनीगंधा से। इसके बाद विद्या सिन्हा को कई फिल्मों में ब्रेक मिला। उन्होंने छोटी सी बात, पति पत्नी और वो जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। नहीं, 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 नहीं,
विद्या सिन्हा ने राजेश खन्ना, विनोद मेहरा, शशि कपूर, अमोल पालेकर, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा और संजीव कुमार जैसे उस दौर के दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया। जीना भी कोई जीना है जब तक तेरा साथ नहीं। साथ हमारा सदियों का ये पल दो पल की बात नहीं। शोमैन राज कपूर फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए पहले विद्या सिन्हा को ही हीरोइन बनाना चाहते थे, लेकिन इस किरदार के लिए विद्या सिन्हा ने साफ साफ इनकार कर दिया था क्योंकि वो कम कपड़ों में सहज महसूस नहीं करती थीं। विद्या हिंदी सिनेमा की पहली ऐसी अभिनेत्री है जिन्होंने महिलाओं को घर से बाहर निकलकर ऑफिसों में काम करने के लिए प्रेरित किया था। छोटी सी बात फिल्म में वो अभिनेता अमोल पालेकर के साथ एक घरेलू कामकाजी महिला की भूमिका निभाती नजर आई थी। अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात। उस दौर की महिलाओं ने उनके साड़ी पहनने के तरीकों को भी खूब फॉलो किया था। उस समय विद्या का साड़ी पहनने का अंदाज फैशन बन गया था। विद्या की फिल्मी दुनिया जितनी खूबसूरत थी उतनी ही निजी जिंदगी बेरंग थी। विद्या सिन्हा की प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी शानदार रही, लेकिन निजी जिंदगी में उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि विद्या सिन्हा ने बॉलीवुड में कदम रखने से पहले ही वेंकटेश्वरन अय्यर से शादी कर ली थी। विद्या के ससुराल वाले उसके काम के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने सबके खिलाफ जाकर अपना फिल्मी करियर जारी रखा था और वो सफल भी रही थी। और इस तरह कई सालों तक फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। शादी के लंबे समय तक विद्या मां नहीं बन पाई, इसी वजह से उन्होंने साल 1989 में एक बेटी को गोद ले लिया जिसका नाम जाह्नवी है। उनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन साल 1996 में उस समय सब कुछ बदल गया जब विद्या के पति वेंकटेश्वरन अय्यर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। पति की मौत के बाद विद्या पूरी तरह टूट गई। विद्या सिन्हा अपने पति की मौत के बाद ऑस्ट्रेलिया चली गई। इसके बाद उनकी मुलाकात नेताजी भीमराव सालुंके से हुई। विद्या सिन्हा ने 54 साल की उम्र में भीमराव से साल 2001 में शादी रचा ली। वो अपनी शादी से काफ़ी खुश थीं, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही भीमराव का व्यवहार बदलने लगा। उन्होंने विद्या सिन्हा से पैसे मांगने शुरू कर दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, वो विद्या के साथ मारपीट भी करते थे। विद्या सिन्हा ने अपने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की और उन पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। विद्या ने लगभग 8 सालों तक अपने पति का अत्याचार बर्दाश्त किया। इसके बाद साल 2009 में दोनों का तलाक हो गया। ये शादी महज 8 साल तक ही चल पाई। विद्या सिन्हा ने बॉलीवुड में सलमान खान की फिल्म बॉडीगार्ड से कमबैक किया। इसके बाद उन्होंने टीवी की दुनिया का भी रुख किया। अपने फिल्मी करियर में विद्या ने लगभग 12 सालों में 30 फिल्मों में काम किया। जीवन के अंतिम समय से कुछ समय पहले वो छोटे पर्दे पर सक्रिय हो गई थीं। उन्होंने बहुरानी, हम दो हैं ना, भाभी, काव्यांजलि, चंद्र नंदिनी और कुल्फी कुमार बाजेवाला जैसे कई टीवी शोज में काम किया। 15 अगस्त 2019 को दिल और फेफड़ों की बीमारी के चलते विद्या का 71 साल की उम्र में निधन हो गया। विद्या सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो उन्होंने हिंदी सिनेमा को दिया वो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। अपने सादगी भरे अभिनय के माध्यम से वो अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा रहेंगी। लोगों के दिलों में उनकी खूबसूरत यादें आज भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करें। विद्या सिन्हा जी के बारे में अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सुपर थैंक्स के जरिए भी अपना प्यार दिखा सकते हैं।
साथ ही ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।